मुरादाबाद में ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर के उत्तर प्रदेश राज्य सम्मेलन के दूसरे दिन खुले अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रेलवे स्टेशन मुरादाबाद से बुद्ध बाजार और बाजारगंज होते हुए अम्बेडकर पार्क तक एक जुलूस निकाला गया, जिसमें तमाम विभागों के कर्मचारी और मजदूर शामिल हुए। इस दौरान संगठन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजयपाल सिंह की अध्यक्षता में मंच पर AIUTUC के राष्ट्रीय महासचिव शंकर दास गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष के राधाकृष्ण और समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजयपाल सिंह ने कहा, रैली के जरिए वह अपनी मांगों को जनता के साथ ही जन जागरण के तहत सरकार तक पहुंचाना उनका मकसद है। उनकी मुख्य मांगों में चारों श्रम कोड को ख़त्म कराना है। इसके साथ ही बिजली और नगर निगम के अलावा अन्य विभागों में ठेका समेत संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित कराना है। साथ ही उन्होंने नियमित न किए जाने पर नियमित आधार पर वेतन दिए जाने की मांग की है। रैली जो मांगे हैं हमारी इस आंदोलन की, उनको जनता के सामने बताने के लिए और सरकार के पास भी उनको भेजने के लिए, इसी मकसद से हमने जनजागरण के तहत ये हमने रैली निकाली। रेलवे स्टेशन से निकाली, बुद्ध बाजार, बाजारगंज होते हुए, गुरट्टी होते हुए अंबेडकर पार्क तक। क्या मांगे थी आपके? मांगे हमारी मुख्य रूप से ये हैं कि एक जो श्रमिक वर्ग विरोधी चार श्रम कोड लाए गए हैं उनको रद्द किया जाए, और जो बिजली विभाग, नगर निगम, दूसरे सरकारी विभाग, तमाम जगह जो ठेका और संविदा पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं, उनको सबको नियमित किया जाए। और नियमित कर्मचारी, और जब तक नियमित नहीं किया जाता तब तक नियमित कर्मचारियों की तरह ही उन्हें वेतन दिया जाए, समान कार्य के समान वेतन के आधार पर। किस तरह का सामना करना पड़ता है? परिस्थितियाँ देखिए ये है, जो एक विभाग में नियमित कर्मचारी है उसकी तनख्वाह है 30,000 रुपये, 28,000 रुपये, उसी काम का जो संविदा कर्मचारी काम कर रहा है उसको मिल रहा है 8,000-9,000। तो 8,000-9,000 रुपये में आज की तारीख में जीवन चलाना बहुत ही नामुमकिन है। तो लोग तो एकदम माने नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं लोग। इसको लेके लोगों के मन में बहुत गुस्सा भी है, और ये सरकार को इस बारे में निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा।